विकी, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। अच्छा, मैं मिलवाता हूँ तुझे उससे। कौन है वो? सुहा। हाँ, इधर आओ ना। विकी, तुम एक दूसरे को जानते हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये इसके साथ भी फ्लर्ट कर चुका है। चिट्टी, चिट्टी, चिट्टी गुस्से में है। ये आइसक्रीम खाएगा? जाता हूँ। ये विक्की हमेशा ही ऐसा करता है और कभी कभी तो हद ही कर देता है। अच्छा, उसके बारे में कुछ मत कहो, वो मेरा दोस्त है। अब तुम गलत मत समझो। इसमें उसकी गलती नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस था। मेरी ही किस्मत खराब है। विक्की सच में लकी है, उसे तुम जैसा दोस्त मिला है। बिल्कुल नहीं, मैं लकी हूँ जो वो मेरा दोस्त है। क्या तुम ड्राइवर रंगा को जानती हो? हेलो, इज्जत से नाम लो, विकी उन्हें अंकल कहता है। वो मेरे पापा हैं। तुम्हारे पापा? मेरे पापा उनके यहाँ पिछले 20 सालों से नौकरी कर रहे हैं। विकी को मैं बचपन से जानता हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम। बचपन में उसने अपने पापा से कहा था कि पापा, ये चिट्टी है मेरा बेस्ट फ्रेंड, आज के बाद हम दोनों साथ में ही रहेंगे। वो जब भी मुझे अपने नए दोस्तों से मिलाता है तो उनसे कहता है कि मैं चिट्टी हूँ, उसका बेस्ट फ्रेंड। वो ऐसा ही है, वो अगर किसी को अपना मान ले तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो फिर वो लड़कियों के मामले में इतना अलग क्यों है? उसमें उसकी गलती नहीं है निक्की, हर लड़की उसे बस अपना बॉयफ्रेंड ही बनाना चाहती है, दूसरे एंगल से देखती नहीं, तो वो भी क्या करेगा। पर जिस दिन कोई लड़की उसे लेकर सीरियस हो गई ना, तो मेरी बात याद रखना, वो उसके लिए दुनिया से लड़ेगा, उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उसे वो अपनी पलकों पर बिठाएगा, ये मेरा दावा है। आ गया मेरा जिगरी दोस्त। ए कुत्ती चोर, रुक। ए कहाँ भाग रहा है? ए, अरे मैंने एक आइसक्रीम मांगी था तो पूरी गाड़ी उठा लाया। रुक 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 रुक। ये वाली दे दे। भर भर के खा ले। बस। हाय निकी। हाय। आज शाम का क्या प्लान है? कुछ नहीं, मेरे दोस्त ने एक नया क्लब खोला है तो वहीं जाऊंगा। मैं भी साथ चलूं? तुम क्लब चलोगी? प्लीज विकी, विकी मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दोस्त का ही नजर नहीं आ रहा। हाय विकी। कब? विकी। व्हाट्स अप गाइस? हाय, हाउ आर यू? फाइन। हाय। हाय। हाय हाय हाय। हे, हाउ आर यू? Hi, Hi Vicky. How are you? I'm fine. Guys, this is Nikki, Anil, Hello. Kavita, Rohit, Hello. Sanjana. Hi Vicky. Hey hey. दूर की रिश्तेदार है। Oh. तो Nikki, कुछ देर के लिए मैं तुम्हारे रिश्तेदार को तुमसे दूर लेके जा रही हूँ, okay? Don't mind. एक सेकंड, इसका ख्याल रखना। बताओ और क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं। Hey, तुम कुछ ड्रिंक लेना चाहोगी? नहीं, उससे तो बहुत दिन हुए मिला ही नहीं मैं। कब? 3-4 दिन पहले। नहीं नहीं, मैंने बहुत बार फोन कर। ओए, हेलो, सुनो, विकी, प्रपोज कर रहे हो क्या? हे गाइस, मेरा दोस्त विकी इस खूबसूरत लड़की को प्रपोज कर रहा है। चीयर हिम अप। विकी, 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 रुको 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 रुको। तुम सबको गलतफहमी हो रही है, ये तो फूलियां गिरे हुए थे तो मैं उठा के वापस कर रहा था। ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, उसके अलावा हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं है। सही कहा ना मैं? अरे यार, डीजे की गलती की सजा तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ? अरे बाबा, क्योंकि ये सच है। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए? हाँ? बताओ, तुम्हारे नजदीक आने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे बकवास जोक्स पर हंसूं,
या हमेशा मेकअप करके घूमती रहूं, या छोटी छोटी ड्रेसेस पहनकर तुम्हें इम्प्रेस करूं? बताओ, टेल मी, अरे व्हाट शुड आई डू? निकी, तुम्हें अचानक हो क्या गया? आई लव यू विक्की, दैट्स माय प्रॉब्लम, और तुम ये समझ नहीं पा रहे हो, उससे मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। निकी, निकी तुम रो रही हो? निकी तुम रो रही हो क्या? निकी, अरे यार ये तो रो रही है। निकी, निकी रोना बंद कर दो प्लीज। क्या क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? I really love you, Vicky. अच्छा? Do you love me, Vicky? Love मतलब वो जो दो कपल्स के बीच में होता है, उनका रिश्ता गहरा होते जाता है और आखिर में वो शादी कर लेते हैं, उस टाइप का लव? हाँ। एक मिनट, हाँ, मुझे इस तरह का प्यार करना नहीं आता निकी। मेरी सबसे लंबी रिलेशनशिप 1 महीने चली थी। तो हम 2 महीने ट्राई करते हैं। मतलब? मैं इंडिया में सिर्फ 2 महीनों के लिए ही हूँ विक्की, तो क्यों ना हम दोनों कोशिश करके देखें? निकी, अगर फैमिली को पता चल गया तो गड़बड़ हो सकती है। एक बार ट्राई तो करो, हम दोनों अपनी अपनी फैमिली को तभी बताएंगे जब हम दोनों राजी होंगे, वरना एक दूसरे को भूल जाएंगे। प्लीज विक्की, मेरे लिए लेट्स ट्राई। ठीक है, तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं? यस। तो किस कर सकता हूँ ना? सॉरी, आई एम सो सॉरी विक्की। मैं जानती हूँ तुम्हारा हर रिलेशन किस से ही शुरू हुआ होगा, पर मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती, तुम समझ रहे हो ना? ओके, तो हम लोग यहाँ से चलें। हाथ रख सकते हो। विक्की, विक्की, गुड मॉर्निंग। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ओह, ये तो साइलेंट पे है। तुम्हारा रूम कितना गंदा है। ये यहाँ क्या कर रही है? कितनी गंदी गंदी बुक्स रखी हैं। जी जी। ए, तुम सीधे यहाँ कैसे आ गई? क्यों, मैं नहीं आ सकती? अरे, मतलब ये मेरा कमरा है। हाँ तो क्या हुआ? अगर किसी ने देख लिया तो? ओह सॉरी, मैं वापस चली जाऊँ? हाँ। आज सुबह तुम्हारे लिए जल्दी उठी, सबसे छुपकर तुम्हारे रूम में आई, और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? ये है तुम्हारा प्यार? ऐसे प्यार नहीं किया जाता विक्की। चाची। आंटी प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। हाय आंटी, एक्चुअली उमा ने ये बुक्स मंगवाई थी। बाय आंटी। बाय बेटा। क्या सोच रहे हो विक्की? कुछ नहीं, बस किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब मेरे साथ यहाँ बैठने में तुम्हें शर्म आ रही है? ठीक है विक्की, तो मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। विक्की, तुम कैसे आ जाए, तुम्हें खुद भी नहीं पता। अगर तुम चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाती हूँ ना, तब सही रहेगा। कुछ नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हैप्पी एनिवर्सरी। क्या? हमारे रिलेशनशिप को 1 वीक हो गया है। ओ। अब मुझे खिलाओ। ये लो, तुम लोग खाओ।